नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कौन सी पोस्ट या खबर फर्जी या भ्रामक है, इसका फैसला करने के लिए सरकार आईटी मंत्रालय के मातहत एक निकाय का गठन करने जा रहे हैं। यह फैक्ट चेक निकाय ऑनलाइन सामग्री के केवल उस कंटेंट की पड़ताल के लिए जिम्मेदार होगा जो सरकार से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा है कि अगर इंटरनेट कंपनियां फैक्ट चेकर द्वारा जांच की गई गलत या भ्रामक जानकारी को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने में विफल रहती हैं और अपना विशेषाधिकार खो सकती हैं। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन और अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत एक निकाय बनाया गया है। यह निकाय इंटरनेट कंपनियों के तहत गूगल, फेसबुक, ट्विटर से लेकर सभी समाचार और गैर समाचार कंपनियां शामिल हैं, जो सामग्रियों की जांच करेंगी। अगर निकाय की जांच में कोई पोस्ट या खबर भ्रामक या गलत होती है तो संबंधित कंपनियों को सरकार उस कंटेंट को हटाने का आदेश देगी। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ऐसी सामग्री के URL को भी हटाना होगा। यदि संबंधित कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो संबंधित कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के मामले में जानकारी डालने वाला यूजर भी कार्रवाई के दायरे में होगा। इंटरनेट प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता आदि एक मध्यस्थ के दायरे में आते हैं। विशेषाधिकार कानून मध्यस्थ और उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोस्ट में की गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाता है। नए नियम में इसमें संशोधन किया गया है और अब भ्रामक या गलत जानकारी को नहीं हटाने की स्थिति में ये कंपनियां भी कार्रवाई के दायरे में आएंगी। इसमें इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि फैक्ट चेकर यूनिट में न्यायिक निरीक्षण, अपीलीय अधिकार या सामग्री को हटाने या सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए शासी तंत्र क्या होगा। वस्तुतः यह सब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और सेंसरशिप के समान है। इसका प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।